बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि कटवाने पड़ेंगे आपको बाल, लेकिन ये तरीका आपको 99% लोगों में से कोई नहीं बताएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगन उसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, खूबसूरत बाल हर किसी के व्यक्तित्व में चार चार लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल बढ़ते ही नहीं या फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। छोटे बालों को लेकर लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो केमिकल युक्त चीजें मौजूद अपने बालों में लगाने लगते हैं, जिससे उनके बाल बहुत ही भयंकर तरह से खराब होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथते हैं तो कभी पार्लर के महंगे महंगे पैकेज पर जेब भी खाली कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बालों के लंबा होने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर हम आपसे कहें कि आप बिना ये सब किए खुद ही घर पर अपने बालों को लंबा और घना कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस तरीके को 99% लोग जानते ही नहीं। दोस्तों, बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, सही पोषण की कमी, तनाव, हार्मोन या सिर्फ आपके बालों के प्रति लापरवाही भी इसका कारण हो सकती है। लेकिन अगर आप बालों की देखभाल करने को तैयार हैं तो हम आपको बताने को भी तैयार हैं। ये तरीका आप जान लें और बालों को इसे जल्दी से जल्दी लंबा कर लें, लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों एलोवेरा और अंडा मिलाकर बालों में लगाएं। सूखने के बाद सिर को शैम्पू से धो लें। बालों में कंडीशनर करना न भूलें, क्योंकि एलोवेरा लगाने पर बालों में कठोरता आ जाती है। आप चाहें तो एलोवेरा लगाने से पहले बालों को स्टीम भी दे सकते हैं, इससे बालों को काफी फायदा मिलेगा। नंबर दो, दोस्तों अक्सर देखा गया है कि सर्दी के मौसम में सभी के बालों में खुश्की, डैंड्रफ और रूखापन की समस्या बहुत परेशान करती है, लेकिन आप अपने बालों और सिर में नमी बनाए रखने के लिए गुनगुने नारियल के तेल की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके बालों में डैंड्रफ तो दूर होगा ही, साथ ही प्राकृतिक रूप से बालों को पोषण भी मिलेगा। इसके लिए आप अपने बालों को घना और लंबा बनाने के लिए नारियल के तेल के साथ साथ नारियल के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल के दूध में प्रोटीन, लौह तत्व और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो आपके बालों को लंबा होने और टूटने से बचाते हैं। दोस्तों, नारियल के दूध को रात को बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाकर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से बालों को धो लें। नंबर तीन, जी दोस्तों, बालों के झड़ने पर आलू का रस काफी कारगर रहता है। 2 से 3 आलू का जूस आप निकाल लीजिए। इस जूस को सिर धोने से 15 मिनट पहले बालों में लगा लें। आलू में मौजूद विटामिन बी बालों को लंबा बनाता है। बालों को मजबूत और लंबा बनाने के लिए विटामिन ई सबसे आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। जैतून के तेल और नींबू में आवश्यक विटामिन ई पाया जाता है। आप एक कटोरी में 10 ml नींबू के रस में 10 ml जैतून का तेल मिलाकर इसे अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लें और फिर 20 मिनट के बाद बालों को शैम्पू कर लें। यह एक बहुत ही कारगर उपाय है बालों की मजबूती बनाए रखने और बालों को घना और लंबा करने का। नंबर पाँच, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप 2 अंडे लेकर इसके अंदर का पीला और सफ़ेद हिस्सा निकाल लीजिए और 2 चम्मच दही में मिलाकर इसे बालों में आधे घंटे के लिए लगाकर सूखने पर बालों को शैम्पू कर लें। इसे बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी।